अभी तो जो टेस्ला कार परसों मेरे घर पर लाई गई थी, तो वो एलान मस्क मुझे मिले थे, उन्होंने वो हाइपर लूप बनाया। तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर भीड़ की दिल्ली मुंबई के बीच में, तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती है वैसे ट्रक जाएंगे, अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ, उस पर काम कर रहे हैं। और हाइपर लूप किया तो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हमारे लोगों का जीवन सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, मुझे जरूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगने की, क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना है इसका मैं एक्सपर्टाइज हूं, मेरे पास है। क्योंकि मैं लाखों करोड़ बोलता हूं, ऐसा नहीं, मैं मेरी मीडिया वालों को बोल देता हूं कि मेरे एक एक वाक्य को आपके पास लिख लेना, और एक भी काम नहीं हुआ तो मेरी ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, क्योंकि मैं जो करता हूं वही बोलूंगा और जो बोलूंगा वही कहूंगा। तो ये हो सकता है। हम कटरा में अभी इंटरमोडल स्टेशन बना रहे हैं, आपने सहयोग दिया है, बहुत बड़ा स्टेशन बना रहा है। वहाँ हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, बस पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पार्किंग प्लेस बना रहे हैं, काफ़ी सुंदर बना रहे हैं। और ये आपके सब स्टेशन के लिए मैंने मनोज कुमार जी को, जो बैठे हैं, उनको कहा कि मुझे ऐसा आर्किटेक्ट नहीं चाहिए। तो हबीब खान करके हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे मित्र थे, और वो यहाँ आके गए श्रीनगर। और आपके पूरे रोड साइड एमिनिटीज और कटरा से लेकर सब डिज़ाइन करने के लिए मैंने उनको कहा, और उनके जो डिज़ाइंस हैं आज मनोज कुमार जी जाने के पहले आपको दिखा देंगे, इतने सुंदर डिज़ाइंस बनाए हैं कि ये वर्ल्ड प्राइड की जगह से डिज़ाइंस बनाए हैं। तो मैं आपको ये निश्चित रूप से जम्मू श्रीनगर में भी, यहाँ मैं कल कुछ व्यापारियों से मिला मुझे रास्ते में, तो कह रहे थे हमारा लॉजिस्टिक्स ये नहीं है, कॉस्ट बढ़ती है। तो मैंने कहा कि मैं आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 2 साल के अंदर कम कर दूंगा। और दूसरी एक योजना जो मैंने अपने नागपुर शहर में पहली बार, आप रेलवे मंत्री थे, रेलवे से क्लियर की है, वो है ब्रॉडगेज मेट्रो। और वो तो यहाँ संजीवनी होगी, उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो जो मेट्रो है 6 डब्बे की है, 2 इकोनॉमिक क्लास, 2 बिजनेस क्लास और 4 इकोनॉमिक क्लास। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो, प्रकाश ट्रैवल, कोई इसकी ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, उसकी, वही खरीद लेगा। नागपुर में हमने 100 मेट्रो ऐसी अब खरीदने का निर्णय कर दिया। मेट्रो की कॉस्ट 30 करोड़ है, और ये प्राइवेट 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें। हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और जो मेट्रो मैं अब तैयार कर रहा हूँ जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय ने दी, वो उसकी 1 करोड़ रुपए भी पर किलोमीटर कॉस्ट नहीं, मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूँ। तो श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर ये फास्ट गेज मेट्रो ये 1-1 घंटे में चालू हो जाएगी। तो 140 किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी। पर मैं केवल जम्मू के श्रीनगर तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिल्ली से जुड़ने की बात कर रहा हूँ। और वो यही है कि दिल्ली से कटरा हम लोग एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ तो लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये महाराष्ट्र में जो रहे उनको दिल्ली से मुंबई 9 घंटे लगते थे, तो बाद में मैं कह रहा था कि 2 घंटे होगा तो लोग हंस रहे थे, पर अब रोड बन गया तो 1.25 घंटे में आते हैं। मुंबई हाईवे पे गया था जो हमने बनाया, 70% काम हुआ है, कि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और मैं जब ट्रायल कर रहा था तो 170 किलोमीटर स्पीड से मैं गाड़ी में बैठकर चल रहा था, पता ही नहीं चला कुछ, इतना अच्छा रोड बना है। और इस दिल्ली मुंबई हाईवे को हम दिल्ली कटरा से जुड़ेंगे, और दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में हो जाएगा। और इसमें ये जो हाईवे है इसके बारे में मैं श्रीनगर से भी कैसे इसकी सुविधा मिले, ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 670 किलोमीटर लंबा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर अमृतसर कटरा से जुड़ेगा। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत दिल्ली से कटरा ये डिस्टेंस 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में 2 साल के अंदर होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि देश का किसान ये सब डीजल पेट्रोल का पर्याय दे सकता है, मैं ये नऊ से बोल रहा हूँ, अब सब लोग देश में बोल रहे हैं, सब इसको मान्य कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक अवेलेबल है। अभी सोलर की पावर 1 रुपया 90 पैसे यूनिट मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट जो होगा वो यहाँ फायदे में होगा। तो यहाँ कल मैं उनको पूछ रहा था कि हमारे देश में, वर्ल्ड में न्यूजीलैंड से एप्पल क्यों आते हैं, हमारे यहाँ साइबेरिया से क्यों आते हैं। तो मैं, उन्होंने कहा कि, मैंने बोला वो हम अभी करेंगे, तो बोले एक पेड़ की कीमत 1400 रुपये है। तो मेरा एलजी साहब से अनुरोध है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हमारे किसानों को ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो एप्पल है
देखो हिंदुस्तान में हो, वर्ल्ड में हो, क्वालिटी के सिवाय पर रहे नहीं। और क्वालिटी अच्छी तैयार करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। तो यहाँ निश्चित रूप से मनोज जी, अगर ये सस्ते में मिले और यहाँ की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सबसे बढ़िया होगी, तो एक्सपोर्ट में काफ़ी रेट मिलेंगे। और अभी तो मैं देश में 4-5 जगह पर ऐसे ब्रिज बना रहा हूँ कि नीचे में 8-लेन रोड, ऊपर में 6-लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल, फिर उसके ऊपर में 6-लेन ब्रिज सेकंड लेवल, और उसके ऊपर से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिक। पुणे में बना रहा हूँ, शिरूर से लेकर वाघोली तक 50 किलोमीटर, चेन्नई में बना रहे हैं, मैंने खुद नागपुर में अपने शहर में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदली हुई है, तो आपके यहाँ भी हम लोग इसका सबका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये रोपवे, केबल कार, फनिकुलर, रेलवे की, जैसे मनोज जी हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फनिकुलर आपको कब से बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। ये एक्सप्रेसवे बनने से, मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट 17% है, यूरोपियन कंट्री में लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है और चाइना में 8% है और अमेरिका में और वेस्टर्न विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री में 12% है और हमारी 16-17% जाती है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता। हम एक्सपोर्ट कर सकते, इतनी अच्छी हमारी क्वालिटी है, प्रोडक्ट है, पर यहाँ से पोर्ट में ले जाने तक इतना दिन लगते हैं, इतना पैसा लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण तकलीफ है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, ये ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते हमने पहली प्रायोरिटी दी है। और इसलिए अब दिल्ली, यहाँ से श्रीनगर से मुंबई, ये आप 19 से 20 घंटे में आप कार से जाओगे और 30 से 35 घंटे में ट्रक चला जाएगा डायरेक्ट हमारे JNPT पोर्ट पर, और कांडला में उससे भी कम इसमें चला जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट में इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। और इसलिए निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है, टूरिज्म के लिए भी आवश्यक है। बस पोर्ट यानी बस स्टेशन, अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जब हॉर्न छोड़कर सब बजता है, और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले, बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निग्लेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए, ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ, और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा, क्योंकि एक बेस्ट की डीजल की बस जब मुंबई में चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर उसका खर्चा है। वो मैंने 100% बायो इथेनॉल पर चलाई, जो गन्ने के जूस से होता है, नागपुर में 35 बसेस चली, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, पुणे में अभी बसेस आई इलेक्ट्रिक की, कल परसों में पुणे में ही था, कोल्हापुर कराड़ में वो बसेस मैंने देखी, वो मैंने ही लाई, वो बसेस की 50 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो जम्मू कश्मीर की जनता टिकट रेट 25% कम करके 100%, अब एयर कंडीशन की यहाँ जरूरत नहीं है, पर लग्जरी बस में बैठ सकती है, और इसलिए आप इसको निश्चित रूप से करिए। तो एक मेरा आपसे सुझाव है कि अब ये जो हिल स्टेशन है इसको आप अच्छे आर्किटेक्ट से इसका टाउन प्लानिंग जैसा डिजाइन कर लो। कल मुझे गुलमर्ग में भी देखने को मिला कि जिस प्रकार का क्लीननेस यूरोपियन स्विट्जरलैंड में मिलता है वैसा नहीं है, तो आप उस प्रकार का डिजाइन करके, क्योंकि इस सब के पीछे एक ही विचार है कि जम्मू कश्मीर के जवान लोगों के हाथों को काम कैसे मिले। और टूरिज्म ही ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 48% कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये केवल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए होती है, जिससे गरीबी दूर होगी, रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, समृद्धता और संपन्नता।